क्यों लोगों के जीवन में परिवर्तन या बदलाव नहीं है? सबसे पहला कारण, लोग सभाओं में आते हैं खाली कुछ अच्छे म्यूजिक सुनने के लिए, अच्छा आवाज सुनने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, या अपने पुराने दोस्त को देखने के लिए, या कोई प्रचारक आ रहा है या कोई आराधक आराधना करने वाला व्यक्ति आ रहा है उसको देखने के लिए आते हैं, और उसी के वजह से जीवन में परिवर्तन नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो, परिवर्तन देखना चाहते हो, बढ़ोतरी देखना चाहते हो, सबसे मुख्य बात है कि जब भी जो सभा में आप जाते हो, एक ध्यान से आओ कि हम वहां पर सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना सिखाते रहे, लेकिन जो बात हमें ग्रहण करना है उन बातों को ग्रहण कर हमें बढ़ोतरी के लिए सभाओं में जाना है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा कि किस प्रकार का जिंदगी परमेश्वर ने जीने के लिए हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में रुकावटें हैं, परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है, और जो जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं। सबसे पहला कारण, बाइबल कहता है उत्पत्ति अध्याय 1:26। अगर आपके पास अपना बाइबल है तो मेरे साथ प्लीज अपने बाइबल पर ध्यान दे। उत्पत्ति अध्याय 1:26। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार। यहां पर पहली बार परमेश्वर इंसानों के बारे में बात करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान को बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये एक वचन में इंसानों के बारे में बताया गया है कि वो मेरे प्रतिमा के अनुसार और वो मेरे समानता में। प्रतिमा और समानता, हम जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं हम सभी लोग परमेश्वर की प्रतिमा है, और परमेश्वर जैसा है उसकी समानता में परमेश्वर हमको बनाया है। अगर हम परमेश्वर की प्रतिमा है और परमेश्वर ने अगर हमको बनाया उसके जैसे इक्वल या सेम टू सेम, तो हम लोग ईश्वरीय प्रकार का जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं? जैसे परमेश्वर जीता है वैसे हम क्यों नहीं जी रहे? हमारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं, परेशानी क्यों है, रुकावटें क्यों हैं, समस्या क्यों है? हम जहां जहां जाते वहां पर तकलीफें क्यों दिखती है, या हम जहां पर रहते वहां पर तकलीफें क्यों दिखती है, हम जिससे मिलते वहां पर तकलीफें क्यों दिखती है? हम सभी मसीह लोगों के जीवन में इतनी सारी तकलीफ क्यों है? और अगर देखा जाए हर एक कलीसिया बीमार लोगों से भर पड़ा है, हर हफ्ते बीमार से भरे हुए लोग आते हैं। मैं जब इन बातों के ऊपर सोच रहा था एक चीज मुझे पता चला। सबसे पहली बात, अगर आप लिख रहे तो लिखो कि आपके पास जितना ज्ञान है वो सामर्थ्यशाली चीज है, और जिसके बारे में ज्ञान नहीं है वहां पर आप हार जाते हो। यानी अगर आपके पास नॉलेज है या ज्ञान है तो आप एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो, और जिस चीज के बारे में आपके पास ज्ञान नहीं है उस चीज में आप हारे हुए रहोगे। हम काफी लोग परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो जीवन यीशु ने हमें दिया है, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, वो जीवन हम जी नहीं पा रहे हैं। हमारे दिल के कोने में हम देखते कि हमारे भविष्य में हम अद्भुत प्रकार का जीवन जीने वाले हैं। हमारे दिल के कोई तो कोने में चल रहा होता है कि आने वाले दिनों में मेरी सेवकाई बेहतर होगी, आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग देखें तो दुनिया भर की समस्याएं हैं, दुनिया भर की तकलीफें हैं, पारिवारिक समस्या है, पैसों की समस्या है, शारीरिक समस्या है, हर तौर पर देखा जाए तो हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आपका जीवन सभी प्रकार के समस्याओं से भरा हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है कुछ अद्भुत और महान बातों को प्रकट करने के लिए। आप पूरे बाइबल को पढ़कर देखो, जहां जहां यीशु गए वहां वहां समस्या उसके साथ में थी। उदाहरण के तौर पर यीशु प्रार्थना कर पहाड़ से नीचे उतरते थे और देखते थे वहां पर सब बीमार लोग आकर जमा हुए हैं। यीशु एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, वहां पर देखते थे
तो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति वहां पर उसे मिला और जिसमें सेना थी। वो वहां से बाहर निकलते थे दूसरे गांव में, वो देखते थे कि चार व्यक्ति एक मुर्दे को अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं। जहां जहां यीशु गए वहां वह तकलीफ उन्हें देखने मिलता था, समस्याएं उन्हें देखने मिलता था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वो व्यक्ति हो कि जहां भी आप जाते हो आपको बस विचार सताने लगता है कि इतनी सारी परेशानी क्यों है, इतनी सारी दिक्कतें क्यों है, इतनी सारी बीमारी क्यों है, इतना सारा समस्याएं क्यों है, इतनी सारी इश्यूज क्यों है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको उन सारे चीजों के लिए सोल्यूशन बनाना चाहता है या जवाब बनाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप तकलीफें देख पा रहे हो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको जवाब बनाकर वहां पर भेजा है। आप उसको देखकर निराश मत हो जाओ, लेकिन होने दो अपना एक कदम बढ़ाओ विश्वास का, जहां पर संसार आपको देख पाए कि जो यीशु बात करता है लोग ये लोग जी रहे हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर कई सारे चीजों को हमें देते हैं, हमारा काम है कि उन चीजों को बढ़ाते रहना। परमेश्वर का काम है देना और हमारा काम है बढ़ाना। आइए मेरे साथ कुछ वचनों को निकालें। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1:6। इसी कारण मैं तुझे सूदि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। ठीक है, यहां पर पौलुस कहता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझ में आया है, जो वरदान तुझे मिला है, उसमें तू उन्नति कर या उसको तू बढ़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रे तो एक काम में जाओगे तो आप देख सकते हो कई बार जब परमेश्वर का आत्मा इन 120 लोगों पर उतरा, ये लोग बाहर सेवकाय के लिए जाने लगे। और जैसे ही बाहर सेवकाय के लिए जाने लगे, कुछ लोग जो यीशु के फॉलोवर्स थे या यीशु को मानते थे लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, तो ये प्रेरित लोगों के सर पे हाथ रखते थे और उनको पवित्र आत्मा मिलता था। एक बार ऐसे हुआ कि पत्रस एक घर में गया और बस प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते पवित्र आत्मा लोगों पर आ गया। अब इसका मतलब यह है कि जो बात परमेश्वर ने आपको अपने आपके जीवन में दिया है उसमें आपको खुद बढ़ोतरी करवाना है। हम कई बार कई सारे विश्वासी इसी की वजह से बढ़ते नहीं है क्योंकि हम कुछ झूठ सुनकर उस पर मनन कर हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर चाहे तो वो मेरा इस्तेमाल करेगा। एक 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 बहन ने मुझसे कहा कि भाई इन दिनों में परमेश्वर मुझे जॉइस मेहर जैसे यूज करना चाहता है और मैं आने वाले दिनों में जॉइस मेहर जैसे सेवकाई करूंगी। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा कहा और मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मैं देखने के द्वारा विश्वास करूंगी। यानी आपका फल दिखाई देना चाहिए, तब जाकर आप कह सकते हो कि मैं वैसी हूं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जानना है अगर आप महिलाएं हो और अगर आपको जॉइस मेहर बहुत पसंद है और आप उत्साहित होते उनके संदेश को सुनकर, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप उनकी सेवकाई करोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप घर पर बैठे हो, आप वचनों को नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, आपके दिल में लोगों के प्रति तरस नहीं है, आप परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बांटते नहीं हो, तो आप कभी नहीं बन सकते। जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, जो बोझ आपको दिया है, उसको आपको बढ़ाना है। अगर आप उसको बढ़ाते नहीं हो, इसका मतलब है कि जो चीज से परमेश्वर आपको ब्लेस किया, आशीषित किया, उसको आप कम कर रहे हो। पास्टर एंड्रू ने अभी प्रार्थना किया संसार के कुछ समस्याओं के लिए। मैं आपसे कहूं कि क्यों समस्याएं बढ़ रही है, क्यों पाप बढ़ रहा है, क्यों व्यभिचार बढ़ रहा है, क्यों डकैती बढ़ रही है, क्यों चोरी बढ़ रही है, क्यों खून कत्ल सब बढ़ रहा है? क्योंकि हम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर हम उन तक नहीं पहुंचेंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति उन तक पहुंच जाएगा। अगर हम संसार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति गलत तौर पर उनको उकसाएगा या उनको गलत बातों में लेकर जाएगा। मैं आपसे कहूं, हम हर एक लोग जो लोग यहां पर बैठे हैं, मैं जानता हूं आप चर्च के अच्छे लीडर हो या चर्च के अच्छे अगुवे हो, आप अपने पास्टर के अधीन काम करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हम हर एक लोगों में कई सारे इश्यूज है, कई सारी समस्याएं हैं। हम जान नहीं पाते हैं
कि हम लोग कौन से चीज के लिए बुलाए गए हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग संदेश को अच्छे से सुनते हैं, हम लोग कई सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के किताब हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, लेकिन हम उस चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसी के वजह से हम लोग समस्या में हैं। हमको जानना है कि हमारा औधा क्या है, हमको जानना है कि हम लोग कौन से पोजीशन में खड़े हैं, हमको जानना है कि आत्मिक स्तर पर हम लोग हमारा स्तर कौन सा है। जब तक हम लोग अपने स्तर को नहीं जानते, हम लोग अपने लेवल को नहीं जानते, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपना जान दिया, उसके जान देने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हम लोगों पर सबसे ज्यादा अनुग्रह हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका हम सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में जाने के लिए नहीं दूंगा, यानी मैं व्यर्थ नहीं कहलाऊंगा उसके अनुग्रह को। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो चीज आप पर प्रकट हुआ है, जो ज्ञान आप पर प्रकट हुआ है, जो रेवलेशन आप पर प्रकट हुआ है, उसका इस्तेमाल करें। अगर आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी की वजह से घटी हो रही है, उसी की वजह से आप परिवर्तन नहीं देख पा रहे हो। आपको लगता है कि एक दिन आएगा कि आप ऐसे ऐसे चीज करोगे, मैं आपसे कहूं वो दिन कभी नहीं आएगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपके पास सर्वोत्तम लोग हैं। कई सारे लोग मुझे मिलकर कहते हैं कि ना आपके यूथ बहुत सर्वोत्तम है, और ना आपके पास बहुत अच्छा टीम है, आपके पास अच्छा लोग है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके साथ कई सारे पास्टर लोग जुड़े हैं, आप कई सारे जगह पर सभाओं के लिए जाते हो, है ना, आप ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, लोगों को पता चलता है, लोगों को दिखता है कि हम लोग बाहरी रूप से क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं देख पा रहे कि हम लोग अंदरूनी तौर पर क्या क्या कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मैं लोगों के साथ ऐसे जाकर मिल लेता हूं या लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, इसी के वजह से मेरे जीवन में मैं बढ़ोतरी देख रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने जिंदगी में बहुत सारा टारगेट रखता हूं। हर दिन मैं प्लान कर रहा हूं कि इस साल मुझे लगभग 2 किताब पब्लिश करना है, मैं प्लान कर रहा हूं कि अगले साल मुझे 3 किताब पब्लिश करना है, मैं योजना कर रहा हूं कि किस प्रकार मैं अलग अलग जगह पर कलीसिया शुरू कर सकता हूं, मैं योजना करता हूं कि कैसे बाहर जाकर सभाएं कर सकता हूं, उस चीज के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं पहले से प्रिपरेशन करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसा चीज होने वाला है, मुझे तैयारी करना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग ऐसे नहीं करते, कई लोग क्या करते पता है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है बेनिन जैसे सेवकाई करने के लिए, मैं जब अपना ऐसे हाथ हिलाऊंगा तो हजारों लोग गिरने चाहिए। मैं आपसे कहूं, ये अच्छी बात है, क्योंकि कुछ साल पहले जब मैंने पास्टर बेनिन को पहली बार देखा था, यानी टीवी पर किसी ने मुझे कैसेट दिया था 2004 में, जब वो मुंबई में आए थे, किसी ने वो कैसेट मुझे दिया और मैं देख रहा था, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिला फुल टाइम सेवकाई करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कभी किसी ऐसे नहीं कहा कि आने वाले दिनों में देखो मैं ऐसे पावरफुल सेवकाई करूंगा, आने वाले दिनों में देखो मैं ऐसे किताबें लिखूं, मैंने ऐसे नहीं कहा। हालांकि मेरे अंदर से ये सब बात शुरू था, लेकिन मैंने क्या किया कि जो बात अंदर शुरू था, मैं खुद को तैयार करते चले गया, मैं खुद को प्रिपेयर करते चले गया, ऐसे लोगों से मैं संपर्क रखने लगा कि जो लोग इस चीज में मेरा साथ दे। परमेश्वर ने हर एक, जितने लोग आप लोग यहां पर बैठे हैं ना प्रियो, हर एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए। बाइबल कहता है कि अगर एक आत्मा यहां पर मन फिराता है तो वहां पर पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग इसलिए आनंद मनाते हैं क्योंकि अभी हमारे टीम में एक अद्भुत व्यक्ति आ गया है शैतान के सारे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग यीशु को जानने के बाद, कुछ समय उत्साहित होने के बाद, वापस अपना पुराना जिंदगी जीना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सही दर्शन नहीं है, हमारे पास सही बोझ नहीं है, हम लोग सही चीजों का रेवलेशन हम तक नहीं पहुंचता है, इसी की वजह से हम लोग दूसरे कामों में बिजी हैं, इसी की वजह से हम लोग बेकार की बातों में बिजी है। अगर हमारे पास सही चीज नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास गलत चीज है। हम क्यों महान महान चीज अपने कलीसिया में नहीं देख पाते? क्योंकि हम व्यक्तिगत अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि हम लोग हारे हुए लोग हैं, हमें लगता है कि हमारे प्रार्थना के जरिए कुछ नहीं हो सकता है। वही तो समस्या है प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चेले यीशु के साथ जुड़े, उस समय
कोई भी व्यक्ति सुपरनेचुरल काम नहीं करता था। कुछ व्यक्ति अनपढ़ थे, कुछ व्यक्ति को बात करना नहीं आता था, कुछ व्यक्ति को बराबर कपड़े पहनना नहीं आता था, कुछ व्यक्ति बराबर दिखते नहीं थे। लेकिन कुछ समय तक यीशु के साथ रहते रहते उन्होंने खुद को प्रशिक्षण किया या वो खुद को अपडेट करते गए, सीखते चले गए। कुछ समय के बाद जब यीशु ने कहा कि एक काम करो, तुम दो दो कर कर जाओ और जाने के बाद तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, मरीजों को चंगा करो और मरे हुए को जिलाओ। अब यहां पर क्या होता है कि जब चेले बाहर जाते सेवकाई करने के लिए, आप देख सकते हो कि रिटर्न आकर वो लोग अच्छा रिप्लाई देते हैं, पता यीशु आपके नाम से ऐसे हो गया, यीशु आपके नाम से वैसे हो गया, यीशु आपने जब ये कहा तो ऐसे हो गया, आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकलने लगे, ये निकलने लगा, वो निकलने लगा। जैसे वो कह रहे थे, अचानक से एक बाप आता है अपने बेटे को लेकर और कहता है कि आपके चेले ने प्रार्थना तो किया लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, प्लीज मेरा कुछ उपाय करो या मेरे सवाल का जवाब दो। यीशु तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखता है, अपने चेलों की ओर देखता है, अपने चेलों से दो शब्द कहता है और वापस यीशु उस व्यक्ति को कहता है कि अपने बेटे को लेकर आ। यीशु जब बुलाता है उस लड़के को, वो लड़का आता है और यीशु जब आज्ञा देता है दुष्ट आत्मा निकल जाने के लिए, यीशु तुरंत उस व्यक्ति को चंगा करता है। ठीक है, अब ये थी सिक्के का एक कड़ी यानी एक तरफा। दूसरे तरफ अगर आप देखोगे कि जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा आया, यही चेले जो लोग दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पा रहे थे, जो बीमारों को ठीक नहीं कर पा रहे थे, कुछ समय के बाद जब पतरस चलता था उसके परछाई के जरिए लोग ठीक होते जा रहे थे। हालेलुया। जो चेले थे या जो प्रेरी थे उनके उनके शरीर में से सामर्थ निकलता था, ऐसे बाइबल कहता है। उनके कपड़े को अगर कोई छू लेता था तो लोग चंगे हो जाते थे, लोग शॉल लेकर आते थे, उनके उनके बदन को स्पर्श कर कर बीमारों पर डालते थे, लोग ठीक हो जाते थे। एक टाइम था कि लोग ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन एक टाइम आया कि लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने कल मुझे एक मैसेज किया, मैसेज करने के बाद उसने कहा, देखो आज कितनी बारिश है। मैंने कहा, हाँ तो आपका सभा कल होगा क्या, लोग आएंगे क्या? मैंने कहा, बारिश आज है, यानी कल था बारिश, सब जगह ट्रेन रुक गई थी और ग्रेट, सब जगह ट्रेन रुक गया था और पटरी पानी से भर गया था, समस्याएं थी, तकलीफ थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सभा शुरू होने से पहले बारिश नहीं था। हालेलुया। अगर आप मेरे फेसबुक पर मेरे साथ में हो, मैंने कमेंट डाला कि कल का क्लाइमेट अच्छा रहेगा, आप जब तक हॉल में नहीं पहुंचे कोई समस्या नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया। मैं आपसे कहूं, हमें विश्वास का कदम उठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके, रोमियो अध्याय 12, सभी लोग निकाले, रोमियो अध्याय 12 और वचन 3। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रमाण का विश्वास डाला, ये आपको जानना है। सब दूसरी बात, किसी भी सेवक को देखने के बाद उसको कॉपी मत करो। एक 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 प्रमाण का विश्वास आपके अंदर है। मैं आपसे कहूं, कई सारे लोग इस फसावट में हैं, लोग फंसाए जा रहे हैं इसके वजह से, क्योंकि हम टीवी पर बड़े बड़े सेवक लोग को देखते हैं। मैं आपसे कहूं, उनको उस स्टेज तक जाने के लिए कई साल लगा, उनको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगा। हम जब उनको देखते हैं और सेम टू सेम उनका उनके ऐसे नकल करने का प्रयास करते हैं और जब हमारे से वो होता नहीं है, हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। एक काम करो, फिर वो जितने भीड़ में प्रचार कर रहा है उतना भीड़ जमा करो। कोई कहता है कि
मुझे 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 बनी जैसा इस्तेमाल परमेश्वर करेगा या एक दिन आएगा। मैं आपसे कहूं, लोग क्या करते हैं, उस चीज को देखते हैं और वो करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूं, आप देखो जरूर, लेकिन खुद को प्रोत्साहित करो, निराश मत हो जाओ, आप शुरुआत करो। हाल ही में कई सारे नवयुवक लोगों का यही सवाल है कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है, हमारा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। मैं आपको जवाब यह देना चाहता हूं प्रियो, कि उनको पूछो कि वो कौन से इश्यूज या कौन सी समस्या से गुजर रहे हैं, उन्होंने कौन से चीज का सामना किया है, क्या हम लोग उस चीज का सामना कर सकते हैं। अगर आज आप किसी कैंसर व्यक्ति के लिए प्रार्थना किए, अगर वो व्यक्ति ठीक हो गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कई सारे लोग आकर आपको सवाल पूछेंगे और हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति को ठीक किया, उसके वजह से आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे हुआ इतिहास में। कुछ सेवक लोग थे जिन्होंने कुछ सदी पहले 18 सदी में लोगों ने मरीजों के लिए प्रार्थना किया और बीमार लोग ठीक होने लगे। कुछ डॉक्टर वहां पर आए और उन्होंने झूठा इल्जाम उस पर लगाया कि यह डॉक्टर नहीं है, बिना डॉक्टर के डिग्री का यह दवाई देता है। पता है लोगों ने क्या किया? नहीं, जो पुलिस वाले वहां पर गए, उसको अटैक कर उसको जेल में डाल दिया। अगर उसके जगह पर हम कोई होते तो शायद हम कहते कि परमेश्वर हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं और आपने हमको जेल में भेज दिया। कुछ समय पहले एक पास्टर, उसने अपना स्टेटमेंट में कुछ तो उसने कहा जो कि सही है, गलत नहीं है, और उस स्टेटमेंट को लेकर किसी ने तो पुलिस के हाथ में दे दिया और उस स्टेटमेंट के बलबूते पर पुलिस इस पास्टर के पास आई और इस पास्टर को गिरफ्तार कर जेल में लेकर चले गई। और जैसे ही जेल में लेकर चले गई, ये पास्टर जो कि सही, इसका वाक्य रचना सही था, स्टेटमेंट सही था, ये माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझको क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूं, जो चीज इसने विश्वास से कहा है, इसको माफी मांगने कोई जरूरत नहीं थी, इसको अड़े रहना था कि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है और मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता हूं और मैंने परमेश्वर के वचनों का डिक्लेयर किया, मैंने कोई गलत बात नहीं की। लेकिन ये व्यक्ति पीछे हट जाता और कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने गलत स्टेटमेंट कहा है। कई बार हमको आज के जनरेशन में ऐसे लोग चाहिए जो विश्वास से कदम उठाए और वो भी बिना ये सोचे कि मेरे साथ क्या होगा। बाइबल कहता है कि पत्रस और यौहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है भीख मांगते हुए, और ये लंगड़े व्यक्ति ने इन दोनों को देखा और ये इन दोनों को देखते हुए ये सोचा कि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनसे मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, ये कल्पना करने लगा, ये सोचने लगा। और बाइबल कहता है कि ये दोनों रुक गए, ये लोग आगे बढ़े नहीं। इन दोनों ने उसकी ओर देखा और कहा कि हमारे ऊपर ध्यान दे, और फिर बाइबल कहता है कि उन्होंने आज्ञा दिया यीशु के नाम से, और बाइबल कहता है कि वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर नाचकर गाते हुए कूदते हुए वो मंदिर में जाकर आराधना करने लगा। और जब मंदिर में ये दोनों पहुंचते हैं, सभी लोग इस लंगड़े व्यक्ति को देखते हैं, कह रहे यार ये तो व्यक्ति इस सुंदर फाटक की ओर बैठकर भीख मांगता था, ये व्यक्ति नाचते हुए आया कैसे। और फिर ये दोनों को देखते हुए इस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे पास मत देखो, ये जो दोनों जन स्टेज के ऊपर खड़े जो प्रचार कर रहे, इन्होंने मुझे ठीक किया। और जब सब लोग इनकी तरफ देखने लगे तो इन दोनों ने क्या कहा बताए कि तुम हमारे ओर क्या देख रहे हो, हमने ठीक नहीं किया है लेकिन यीशु ने ठीक किया है। आज का समस्या क्या मालूम है? अगर आप सेवकाई के लिए बाहर जाते हो और आपको पसंद है बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना, तो हम लोग सेवक लोग, अब हमारा स्टाइल हम बताते हैं, जब हम लोग बीमार लोगों से मिलते हैं हम कहते हैं परमेश्वर की ओर ध्यान दो, परमेश्वर तुम्हें ठीक कर सकता है, उसके वचनों को पढ़ो, उसका एक शब्द तुम्हारे शरीर में चंगाई लेकर आएगा। और जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तब हम उसको कहते हैं आओ ना स्टेज पे आओ, गवाही दो कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे प्रार्थना किया और परमेश्वर तुमको कैसे ठीक किया।
और फिर हम बोलते हैं ये व्यक्ति यहां पर आया और मैंने ऐसे प्रार्थना किया और ऐसे किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो दोनों ने ऐसे नहीं किया था। जब व्यक्ति बीमार था तब इन्होंने कहा कि मेरे ओर ध्यान दे, लेकिन जब व्यक्ति ठीक हो गया इन्होंने कहा अब मेरे ओर ध्यान मत दो, अब उसके ओर ध्यान दो क्योंकि उसने तुमको ठीक किया है। हम क्या करते हैं, जब व्यक्ति बीमार है उसकी ओर ध्यान दो और जब व्यक्ति ठीक हो गया हमारी ओर ध्यान दो, और उसी की वजह से समस्याएं हैं, उसी की वजह से बीमार ठीक नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन परमेश्वर को महिमा देना नहीं है, हमारा इंटेंशन है खुद को सामने लाना या प्रसिद्ध करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। हर जगह ऐसे कहा जाता है कि यीशु के आने का जो चिन्ह है 90% चिन्ह पूरा हो गया है, 90% चिन्ह पूरा हो गया है, जो जो भविष्यवाणी की गई थी सब कुछ 90% चिन्ह जो है पूरा हो गया है। पूरे विश्व भर में लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं बाहर जाकर समाचार सुनाने के लिए, बहुत सारे चिन्ह पूरे हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु आने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, हम लोग बहुत जल्दबाज करना चाहिए अभी, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको बहुत जल्दी प्रिपेयर होना है, आपको बहुत जल्दी तैयारी करना है। बड़े बड़े झुंड आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। यीशु बाइबल कहता है कि यीशु ने अपने चेलों को देखा और अपने चेलों को देखकर उसने एक नजारा दिखा और कहा कि देखो ये ऐसे भेड़ है जिनका कोई चरवा नहीं है। आज संसार में इतनी बीमारियां, इतनी समस्या, इतनी परेशानी इसलिए फैल रही है क्योंकि हम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमें पहुंचना बहुत जरूरी है, और पहुंचने के लिए मैं आपसे कहूं ये जानो कि आपका लेवल कौन सा है। अगर आपके अंदर विश्वास है उसमें बढ़ोतरी करो, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को एक प्रमाण का विश्वास दिया गया है, उसमें उन्नति करो, उसमें बढ़ोतरी करो, परमेश्वर के साथ वक्त बिताओ, उपास करो, किताबें पढ़ो, संदेश सुनना चाहते हो सेवक लोगों का संदेश सुनो, और मैं आपसे कहूं वो जो प्रैक्टिकल बात बताते हैं उसको फॉलो करो। हम कई बार इसलिए हमारे जीवन में हम लोग हार जाते हैं, हम सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं, हम सुनते हैं उसका प्रैक्टिस नहीं करते। सोचो अगर आप जो सुन रहे हो उसको अपने जीवन में अगर इस्तेमाल नहीं करोगे कैसे जो चीज परमेश्वर करना चाहता है वो कैसे करेगा। परमेश्वर इंसानों के बगैर कुछ करना नहीं चाहता है। अगर इस पृथ्वी पर उसे महान महान काम दिखाना है तो वो इंसानों को चुनता है, और हम इंसान उसके बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं। नीति वचन अध्याय 13:20, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग किसके साथ संगति कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फेलोशिप किसके साथ में है। ये बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ हर दिन ज्यादा वक्त बिताते हैं। नीति वचन अध्याय 13:20, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बुद्धिमान के साथ संगति करते हो तो आप बुद्धिमान बन जाओगे, लेकिन अगर आप मूर्ख के साथ संगति करते हो तो आप मूर्ख नहीं बनोगे, आपका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे बाइबल कहता है। अगर आप बुद्धिमान के साथ संगति करोगे तो आप बुद्धिमान हो जाओगे, अगर आप मूर्ख के साथ संगति करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे, ऐसे बाइबल कहता है। मैं आपसे कहूं यह बहुत जरूरी है कि हर दिन आप किसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने एरिया में, अपने गली में, शहर में, नगर में अगर परिवर्तन लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, यह जरूरी है कि आप किसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। मैं आपसे कहूं हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जीते हैं, हमारा वक्त ज्यादा किसके साथ बीतता है यह बहुत जरूरी है। हम हर एक लोगों के पास अच्छे अच्छे मोबाइल फोन हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल फोन हैं, इसके अंदर क्या है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हो, ज्यादा वक्त, तो मैं आपसे कहूं ये बंद करो। मालूम है क्यों? क्योंकि ये बुद्धिमान नहीं है।
हाँ आप कुछ वक्त आ सकते हो, अपडेट देख सकते हो, मीटिंग्स कहां पर क्या है या अपडेट्स लोगों को दे सकते हो, कुछ वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टेलीविजन पर ज्यादा वक्त बिताते हो, गलत किताबों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, गलत सोच के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, गलत लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप घटते चले जा रहे हो, आप उन्नति नहीं कर रहे हो। जो व्यक्ति बुद्धिमान के साथ रहता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान के साथ संगति करता है, वो बुद्धिमान बनते चले जाता है, लेकिन जो मूर्ख के साथ संगति करता है उसका नाश हो जाता है। आप अगर अपना वक्त गलत व्यक्तियों के साथ, गलत चीजों के साथ, गलत सोर्स या गलत माध्यम में अगर आप बिता रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका दर्शन, आपका एनर्जी, आपका सोच, आपका पैसा, आपका वक्त और आप खुद भी कम होते चले जा रहे हो, क्योंकि जैसी संगति होगी उसी प्रकार की बढ़ोतरी होगी। आज से कुछ साल पहले जब मेरा उद्धार हुआ था, जब मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया था या जब परमेश्वर ने मुझे चुना था, उस समय हम कई सारे यूथ लोग थे, बहुत सारे यूथ, और मैं उनमें से सबसे छोटा था और प्रभु में मैं सबसे देरी से आया था। ये सभी लोग मेरे सीनियर थे और लोग मुझे बताते थे, देखो ऐसे वर्शिप करना है, ऐसे गीत गाना है, बाइबल ऐसे पढ़ना है, ऐसे प्रार्थना करना है। लोग बस जो कहते थे मैं सुनते चले जाता था। कुछ समय के बाद मैंने चुना कि मुझे परमेश्वर के साथ ज्यादा वक्त बिताना है और उन्होंने चुना कि वो लोगों की ज्यादा संगति करना चाहते हैं। आज के दरमियान या आज के सफर में वो लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। मैं जब लोगों से मिलता हूं, मेरे पुराने लोगों से कि जिनके साथ में मिलकर मिनिस्ट्री करता था या सेवकाई करता था या छोटे छोटे हाउस ग्रुप चलाता था, वे लोग आज मुझे देखकर, एक व्यक्ति जो कि नाला सुपारे में रहता है, वो व्यक्ति मेरे किताब को लेकर आया और रोते रोते उसने मुझसे कहा कि पास्टर साहब आप बहुत आगे चले गए हो। एक टाइम था कि मैं आपको डांटता था, लेकिन मैं आपसे कहूं आपका किताब पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उन्नति कर रहे हो। मैं आपसे कहूं मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि आप बहुत पीछे चले गए हो। आप जिसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो वो चीज, वो व्यक्ति, वो सोर्स आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेगा। यह बहुत जरूरी है। आप जब घर पर बैठे हो, आपकी कल्पना के साथ आप ज्यादा वक्त बिता रहे हो क्या? आपके भूतकाल के साथ आप ज्यादा वक्त बिता रहे हो क्या? आपके चोट, आपके दर्द, आपकी समस्याओं के साथ आप ज्यादा वक्त बिता रहे हो क्या? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चीज आप पर ज्यादा प्रभाव डालेगी। अगर अच्छा चीज आपके अंदर नहीं जा रहा है तो बुरा चीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली जा रहा है। अगर आप पूरे दिन में परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिता रहे हो, उसके उसके वचनों को अपने अंदर नहीं ले रहे हो, उसके उपस्थिति को अपने अंदर नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि गलत चीज आपके अंदर जा रहा है। और अगर आप गलत चीज से भर रहे हो, हाँ आपके मन में इच्छा तो रहेगा बहुत सारा चीज करने का, लेकिन वो गलत चीज आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डाली, इसकी वजह से वो आपको पीछे खींचते रहेगी। अगर आप आने वाले दिनों में एक परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सारे गलत चीज से बाहर निकलो। ये बेसिक चीज आपको करना पड़ेगा। जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है उसको संभालना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपको याद है मैंने पहला वचन पढ़ा, उत्पत्ति अध्याय 1:26, जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिमा और अपने समानता में बनाए और वो सब चीज पर अधिकार रखे। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर आदम से कहते कि आदम ये वाटिका तेरा है, तू इसका रक्षा कर, तू इसको संभाल। लेकिन आदम वाटिका को संभालता नहीं है, एडन गार्डन को वो संभालता नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान वहां पर कार्य कर रहा था। उसका काम था कि कोई भी इनलीगल चीज या गैर कानूनी चीज या बेकार का सोर्स अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका को बनाया था तो शैतान वहां पर नहीं था, वो दूसरे कोई दुनिया में था। लेकिन आदम ने ध्यान नहीं दिया, उसके वजह से गलत सोच उस वाटिका के अंदर आ गया। जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, ये आपका काम है कि आप संभालें।
अगर आप उस चीज को संभालते नहीं हो तो बाइबल ऐसे कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोते निकला, कुछ बीज रास्ते किनारे गिरी, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरी, कुछ बीज झाड़ियों में गिरी और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी। शैतान प्रयास करेगा अच्छी बीज जल्दी खा लेने के लिए या बीज को मार डालने के लिए। जो अच्छा बात आप सुनते हो यह बहुत जरूरी है कि आप उसको मनन करो, उसको मेडिटेट करो और उसको बढ़ाओ। अगर आप बढ़ा रहे नहीं हो तो आप गवा रहे हो। यह बहुत जरूरी है। जिस चीज के साथ आप ज्यादा वक्त बिताओगे वो चीज आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा आपके बढ़ोतरी के लिए, चाहे वो अच्छी बढ़ोतरी के लिए या चाहे वो गलत बढ़ोतरी के लिए। बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन आप किसके साथ टाइम बिताते हो, ये प्रतिदिन आप क्या कर रहे हो, ये बहुत जरूरी, क्योंकि आज का दिन आपके आने वाले कल पर प्रभाव लाता है। कुछ सेवक लोग को देखने के बाद हम उत्तेजित हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं। मैं आपसे कहूं, ये सभा खत्म होने के बाद कुछ लोग कहेंगे, पता है मैं फास्टिंग करने रेडी हूं, मैं अभी कुछ चीज कहूंगा उसके बाद आप कहोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं फास्ट। मैं आपसे कहूं आप उत्तेजित हो जाओगे, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू तौर पर नहीं रखोगे, मैं आपसे कहूं आप गवा दोगे उस चीज को। उदाहरण के तौर पर सोचो, आज आपने प्रार्थना किया, आपने प्रार्थना करना शुरू किया, आप देर रात तक जाकर प्रार्थना किए और कल सुबह उठे नहीं और कल आप 1 बजे उठते, क्यों? क्योंकि रात भर प्रार्थना किया, अब आज चढ़ जाने की जरूरत नहीं है या मैं लेट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार तौर पर हमें बढ़ोतरी करना है। हर दिन प्लान बनाओ। अगर आप जॉब पर जाते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप प्लानिंग बनाओ कि आप कितने बजे जाते हो, आपका टाइमिंग क्या है, आप वो हिसाब से आप सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ के वचनों को पढ़ सकते हो, सुबह जल्दी उठ के संदेश सुन सकते हो। आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, यानी आप कौन से माध्यम से जाते हो, आप कार से जाते हो, आप बस से जाते हो, आप ट्रेन से जाते हो, आप प्लान करो। आप ट्रेन से जाते वक्त आप अपने मोबाइल में अच्छे संदेश ले सकते हो, उसको सुन सकते हो, क्यों? क्योंकि आज जो टाइम आप अच्छे चीज में बिता रहे हो कल आप उसका कट नहीं काटोगे, कल उसका हार्वेस्टिंग आप करोगे। लेकिन अगर आप आज गलत चीज के साथ टाइम बिता रहे, यार प्रार्थना अच्छा था आज का, बहुत दिन हो गया पिक्चर देखने नहीं गया, शाम को वक्त फ्री है चलो पिक्चर देख, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो 3 घंटा आप इंजॉय करोगे कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो आज का 3 घंटा जो आपने बर्बाद किया वो प्रभाव आप कल देखोगे, आज नहीं। हमें बहुत जरूरी है सही लोगों के साथ, सही माध्यम के साथ, सही चीजों के साथ टाइम बिताना, क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे जीवन में प्रभाव लेकर आएगी। अगर आप ज्यादा वक्त प्रार्थना में बिताओगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, अगर आप वचनों में ज्यादा वक्त बिताओगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, अगर आप मैसेज जो अच्छा सेवक है उसका संदेश सुनने में वक्त बिताओगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, अगर आप वर्शिप में टाइम बिताओगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, अगर आप पिक्चर देखने में टाइम बिताओगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, अगर आप सीरियल देखने में टाइम बिताओगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ रिजल्ट ताबड़तोब नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे कर जो चीज के साथ आप ज्यादा वक्त बिताते हो उसका परिणाम आप अपने जीवन में देखते हो। हालेलुया। अगर आप लिख रहे हो तो लिखो, आपका जो फीलिंग है या जो आप महसूस कर रहे हो उसके ऊपर आपका विश्वास डिपेंड मत रखो, यानी जो चीज आप अनुभव कर रहे हो उस हिसाब से आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 13-15, जो आप महसूस कर रहे हो उसके ऊपर आपका विश्वास डिपेंड नहीं होना चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 13-15। अब यहां पर बाइबल कहता है कि पत्रस को जेल में डाल दिया गया था और एक फरमान निकाला था कि इसको हम लोग सुबह टंगा देंगे, यानी उसको खत्म कर देंगे या उसको मार देंगे, और ये डर ये भय से सभी जितने भी प्रेरित थे सभी लोग खुद को एक कमरे में बंद कर लिए और प्रार्थना करना चालू किए, प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर पत्रस को छुड़ा, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, तू चमत्कार, ये तू कर सकता है। ये लोग प्रार्थना करने में लौलीन हो गए, ये कंटिन्यू तौर पर प्रार्थना करने लगे। अभी कलीसिया मिलके प्रार्थना कर रही थी, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत को भेजा और पत्रस को उस जेल से बाहर निकाला, और जैसे ही पत्रस जेल से बाहर आता है, बाहर आने के बाद ये सीधा किधर आता है? कलीसिया के पास आता है,
और आकर ये खटखटाता है जोर से, जोरों से खटखटाता है। और खटखटाने के बाद एक बहन सुनती है कि दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। ये बहन जाती है, जाकर दरवाजे में जो खिड़की है उस खिड़की को खोल के देखती है कौन है, और वो देखती है तो पतरस है। वो दरवाज़ा खोलती नहीं है, सीधा खुशी के मारे भाग कर जाती है और चर्च कहती है कि हेलो प्रार्थना मत करो, पतरस दरवाजे के ऊपर खड़ा है। सभी लोग बोलते हैं ये पागल हो गई है, पतरस खड़ा है, अरे पतरस मरने वाला है, खड़ा किधर से होगा वो। नहीं, सच में पतरस बाहर खड़ा है, मैं खुद देखी। और फिर ये कहते हैं कि वो पतरस नहीं होगा, पतरस का स्वर्गदूत रहेगा। यानी उनका जो फीलिंग था वो फीलिंग के हिसाब से विश्वास कर रहे थे कि पतरस नहीं छूट सकता, क्योंकि यूहन्ना को मार दिया गया है, अब पतरस की बारी है। आज आपके जीवन में जो सिचुएशन है वो परिस्थिति के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलने पर है, आपका आत्मिक कंडीशन बदलने पर है, आपका पारिवारिक स्थिति बदलने पर है, आपके पैसों का स्थिति बदलने पर है। आप जिस स्थिति में जा रहे हो उस स्थिति पर भरोसा मत करो, आप परमेश्वर के वचनों को लेकर उस वचनों पर विश्वास करो। हालेलुया। जो चीज दिखता है उसको देखकर विश्वास मत करो, लेकिन जो चीज नहीं दिखता है, बाइबल कहता है जो चीज है ही नहीं परमेश्वर उसका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। हमें बचपन से गलत सिखाया जा रहा है। हम जब अपने स्कूल में थे हमें गलत सिखाया गया, हमें बताया गया कि ईस्ट से सनराइज होता है, सूरज उगता है, और वेस्ट में डूबता है। हमें गलत सिखाया गया। कितने लोगों को सिखाया गया? मैं जिस स्कूल में सिखा मुझे तो ऐसे ही सिखाया, आपको सिखाया नहीं कि ईस्ट से वो उगता है और वेस्ट में डूबता है। मैं सुबह सुबह जब अपने घर से देखता था कि एक पहाड़ है, पहाड़ से बहुत ही अच्छा लाल पीला ऑरेंज कलर का सूरज धीरे धीरे ऊपर आता है, और 12 बज के तो वो बहुत गर्मी देता है, और शाम को 6 बजे 6:30 बजे 5:30 बजे वो एक समुद्र में डूब रहा है। ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं और वैसे हमारा विश्वास था। लेकिन जब मैंने एक दिन उसके बारे में सोचा तो कहीं तो मेरे दिल ने कहा कि ये गलत है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो तेरा दिल ने कहा वो सच है, क्योंकि सूरज ना ही तो उगता है ना ही तो डूबता है, वो एक ही जगह पर स्थिर खड़ा रहता है। पृथ्वी गोल गोल घूमती है, हमने कभी अनुभव नहीं किया कि पृथ्वी घूम रहा है, मैं यहां पर हूं और शाम के वक्त पुलपिट उधर चले गया और आप लोग इधर, ऐसे कभी नहीं हुआ। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है कि ये उग रहा है और ये डूब रहा है। हमारे कई सारे मुंबई में या मुंबई से बाहर हिल स्टेशन पे कई सारे पॉइंट्स है, सनसेट पॉइंट्स है, सनराइज पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। तो जब आप पहाड़ के ऊपर जाकर देखते हो तो नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन नजारा आपको फंसा रहा है। सच यह है कि सूरज एक ही जगह पर खड़ा है। हम लोग कभी कभी अपनी वर्तमान की स्थिति को देखकर डर जाते, घबरा जाते, या विश्वास कर बैठते उन चीजों पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी स्थिति कुछ समय के लिए वैसे है, अनंत काल के लिए नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए, उसको थाम कर रखो, आपके स्थिति को थाम कर मत रखो। आपका कंडीशन ऐसे हो सकता है, आपका चर्च का हालात ऐसे हो सकता है, आपका आत्मिक जीवन ऐसे हो सकता है, जो आप देख रहे हो वह सच नहीं है। शैतान आपको ऐसी बात बताना चाहता है कि आप हारे हुए हो, आप बेकार हो, आप कोई फायदे के नहीं हो, परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, परमेश्वर आपसे क्रोधित है, शैतान यही दिखाना चाहता है आपको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का दिल आपके लिए तड़प रहा है, क्योंकि उसने अपना खून बहाया आपके लिए। उसका खून इतना चीप नहीं है, उसका खून इतना सस्ता नहीं है कि आप इतने जल्दी बेकार हो जाओगे, शैतान इतने जल्दी आपको उसके राज्य में छीन लेगा, इतना परमेश्वर खून सस्ता नहीं है। अगर यीशु का एक कतरा खून पूरे संसार को बचा सकता है तो उसने अपना पूरा खून आपके लिए बहाया है। मैं आपसे कहूं
इस चीज को ध्यान करते रहो। जबी जबी शैतान आपको फंसाने का प्रयास करेगा, वो कहेगा कि तू पापी है, वो कहेगा कि तू ढोंग करता है, वो कहेगा तेरा जिंदगी ऐसे, वो कहेगा तू वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है। मैं आपसे कहूं, उसको कहे मुंह बंद कर। अगर तुझे भरपाई मांगना है, अगर बात करना है, तो क्रूस पे जाकर उस व्यक्ति से बात कर जो क्रूस पर मेरे लिए 2000 साल पहले लटका था। क्यों? क्योंकि उसने मुझे खरीदा है और मैं उसके राज्य में हूं। शैतान को यह बोलना है आपको, अगर आप उसको नहीं बोलोगे वो बार बार आपको सताता रहेगा। एक दिन जब मैं अपने वचनों को पढ़ रहा था, वचनों को पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे अच्छा लगता है कि जो कहानियां हैं उनको पढ़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब यीशु 40 दिन का उपवास कर रहे थे, मैं वो कहानी बार बार पढ़ रहा था और अचानक पढ़ते पढ़ते मुझे एक रेवलेशन मिलने लगा कि शैतान कैसे वहां से चला गया। आप देख सकते हो, उसने कहा कि ये पत्थर ले, इसको रोटी बना। फिर यीशु ने उसको रिप्लाई दिया, फिर वो उसको ऊपर लेकर चले जाता है, मंदिर के ऊपर पहाड़ पर बड़े, वहां पर यीशु उसको रिप्लाई देते हैं। फिर वो कहता है देख ऐसे वैसे ये वो, फिर यीशु उसको रिप्लाई देता है। लेकिन वो जाता कैसे पता है? यीशु उसको कहता है यहां से चला जा। आप पढ़कर देखो, जब यीशु कहता है यहां से चला जा, वो कोई दूसरा सवाल नहीं करता है, चुपचाप चले जाता है। जब तक आप शैतान को इंटरटेन करते रहोगे, वो बस मनोरंजन का आनंद उठाकर वो आपके जिंदगी में रहेगा। लेकिन जब आप उसको कहोगे कि यहां से चले जा, तब वो वहां से जाएगा। मैं आपसे कहूं, कुछ लोगों को मनोरंजन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कलीसिया में अगर आप गांव खेड़े अगर कलीसिया में जाओगे, वहां पर आप देख सकते हो 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग रहेंगे और उसमें से 2-3 दुष्टात्मा ग्रसित लोग रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। और यहां पर ये लोग अन्य भाषा इनका चालू है, इनका वर्शिप चालू है, बस ये लोग टाइम पास कर रहे हैं वहां पर। क्यों हम इंटरटेन करें इनका? ये 2 जन अगर नाच रहे, इनको कहो यीशु के नाम चले जाने के लिए और इनको बिठाओ चुपचाप, कलीसिया को डिस्टर्ब मत करो। लोग सब चीज करेंगे, खाली एक चीज नहीं करेंगे कि वो है वचनों को नहीं सुनेंगे, और उसी के वजह से कलीसिया पूरी तौर पर ठंडी है। आप जो महसूस कर रहे हो उस पर मत जाओ। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने आपको समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनाया है, समस्या निर्माण करने वाला व्यक्ति नहीं बनाया है। कहो कि मैं समस्या निर्माण करने वाला नहीं, लेकिन सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। मैं समस्या निर्माण करने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। अभी आपने जो चीज कन्फेस किया है, जो चीज आपने कहा है, उस पर विश्वास करो। जो भी चीज आपके सामने आती है, एक समस्या लेकर, परेशानी लेकर, इसके उसके पास मत भागो। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, बहुत प्रॉब्लम है। मैं करेगा प्रार्थना, आपके लिए करेगा, क्या प्रार्थना करो? ये खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता, आपके लिए कैसे प्रार्थना करेगा? जब लोग मुझे आते हैं ना, कहते हैं पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट है? ऐसे ऐसे यीशु के नाम से प्रभु, मैं उसी टाइम प्रार्थना करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है ये सब प्रार्थना याद रखने के लिए। सच में मैं कहता हूं, अगर आज आप लोग मेरे को कहते हो ना प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ऑन द स्पॉट प्रार्थना कर देता। क्यों? क्योंकि आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर मैं बोझा बनाकर नहीं रख सकता हूं। क्योंकि यीशु ने कहा है कि तू अपना क्रूस उठा, उसका मत उठा। और आपको मालूम है याकूब की पत्री में लिखा है कि जो आदमी समस्या में है वही प्रार्थना करे। अगर कोई मुझसे कहता है कि प्लीज, अगर कोई बार बार मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है कि प्लीज इसके लिए प्रार्थना करो, प्लीज उसके लिए प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करूंगा तो तू क्या करेगा भाई? तेरा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू प्रार्थना कर, मुझे क्यों कह रहा है प्रार्थना करने के लिए? अगर कोई बंदा आपको कहता है प्रार्थना करने के लिए, मैं आपसे कहूं उसको फंसाओ मत, ये कहते हुए मैं जरूर प्रार्थना करूंगा आपके लिए, ऐसे मैं नहीं, उसको कहो अपने लिए प्रार्थना करो। हमको यह सीखना जरूरी है। आप पूरे बाइबल को पढ़कर देखो,
कितने प्रेयर रिक्वेस्ट आपको मिलेंगे? हम लोग कहीं तो बहुत पीछे हैं अब तक। आपको पता है भारत में समाचार आकर, सुसमाचार आकर 2000 साल पूरे हो गए हैं। जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया था, उसका एक चेला, थोमा नाम का चेला, ऐसे कहते दो जन भारत में आकर गए। मैं दूसरे का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो कंफर्म नहीं है, लोग खाली कहते हैं कि आके गया था, लेकिन थोमा आकर गया था भारत में। 2000 साल पहले भारत में सुसमाचार पहुंचा। अमेरिका में समाचार आज से बस 600 साल पहले पहुंचा है, लेकिन सुसमाचार के बात में अमेरिका बहुत आगे भारत से। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए, खुद के लिए प्रार्थना करती है, वे बाहर निकलते समाचार सुनाने के लिए। और भारत का मेंटेलिटी बहुत अलग है। भारत के जितने भी चीज है ना, सब अलग है। भाई रामबाबू बहुत खूबसूरत कहते हैं, वो कहते हैं कि विदेश का जो फावड़ा है वो ऐसा है, और हमारा जो फावड़ा है वो ऐसा है। विदेश का फावड़ा कहते हैं लो, और हमारा फावड़ा कहते हैं आने दो। हमारा मेंटेलिटी वैसे हो गया है, हमारा मानसिकता वैसे हो गया है। हम कुछ अपने लिए नहीं करना चाहते, बस हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, लोग हमारे लिए दुआ करें। मैं आपसे कहूं भाई, आप क्या करोगे फिर? अपने लिए प्रार्थना करो। हाँ, ऐसे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट होता है जो कि बहुत इमरजेंसी है, जो कि हम लोगों तक भेजें कि प्लीज दुआ करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, टोटली गलत नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन लगातार तौर पर नहीं। मेरा सर दर्द दे रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरा पेट दर्द दे रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरा नाखून दर्द दे रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। ये हो गया है, मेरा बाल झड़ रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरा बाल काला हो रहा है, प्लीज प्रार्थना करो। सफेद हो रहा है, प्लीज प्रार्थना करो। हरा हो रहा है, प्लीज प्रार्थना। मैं आशा करूं ये सब प्रेयर रिक्वेस्ट मत दो। अगर ये सब प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम लोग प्रेयर करते बैठे तो लोग मर रहे हैं, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? शैतान उनको आग में खींच रहा है, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? तो हमको जानना जरूरी है कि हम लोग समस्या निर्माण करने वाले नहीं, समस्या को मेंटेन रखने वाले नहीं, लेकिन समस्या को सुलझाने वाले लोग हैं। हालेलुया, कहो कि मैं समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति हूं, मैं समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। अब मैंने आपसे कहा था कि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, उनके चारों ओर समस्या थी, बीमार लोग, मरे हुए लोग, ये पारिवारिक समस्या, ये इश्यूज, वो इश्यूज, और वो बीच में खड़े रहकर लोगों को ठीक करते थे। अगर आज आपके चारों बाजू ऐसी स्थिति है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उनसे दूर मत भागो। आपको वहां पर रखा गया है ताकि आप उन सभी चीजों का हल करो या उन सभी चीजों को सुधारो। अगर आपके एरिया में ज्यादा समस्या है, मैं आपसे कहूं आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। आपको रखा ही इसलिए ताकि आप वहां के सॉल्यूशन बनकर बैठो। हालेलुया। आपको जानना बहुत जरूरी है कि यीशु का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है, और अगर यीशु का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर बहुत बिजी है अपने लोगों में, और मैं आपसे कहना चाहता हूं वो उनके पीछे बहुत बिजी है जो उसके पीछे बिजी है। रिसेंटली मैंने एक चीज जाना कि परमेश्वर अगर शहर में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो हमेशा सेवक को उभारते हैं। वो आपके एरिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए वो आपको वहां पर उभारना चाहते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो अभिषेक है कि आप मुर्दों को जिलाओ, आपके अंदर वो अभिषेक है कि आप लंगड़ों को चलाओ, आपके अंदर अभिषेक है कि आप अंधों को दृष्टि दो, आपके अंदर अभिषेक है कि आप जो लोग नाश हो रहे उनको बचाओ। आपके अंदर वो अभिषेक है, और जिनके अंदर अभिषेक है वो घर पर लेकर बैठे हुए हैं कि मेरे ऊपर भविष्य में कभी तो ये सेवक का सभा होगा और मैं उस सभा में जाऊंगा, वो सेवक मुझ पर हाथ रखेगा, ये सपना लेकर बैठे हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं अच्छी बात है, लेकिन आपका सपना मरा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका सपना जिंदा होना चाहिए। कई लोग जो यहां पर हैं, हम हर एक लोग के पास विजन है, हम हर एक लोग के पास दर्शन है, हम हर एक लोग महान महान चीज करना चाहते हैं, लेकिन फर्क खाली इतना है कि कुछ लोगों का सपना जिंदा है और कुछ लोगों का सपना मरा हुआ है। कुछ लोग मरे हुए सपने के साथ अपना दिन बिता रहे हैं,
दिन एक आएगा कि ऐसे होगा, दिन एक आएगा कि वैसे होगा। मैं आपसे कहूं, दिन आएगा नहीं, दिन को लाना है। दिन आएगा नहीं, ऐसे कई सारे लोग ऐसे दिन आएगा 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 करके उनको दिन लेकर चला गया। दिन आएगा नहीं, दिन को लाना है। जो चीज आज हमारे मुंबई में समस्या क्या है मालूम है? हमारे मुंबई में दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन हम उसको यूज नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बाइबल में एक नियम है, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांग किया जा रहा है। अगर आपके पास ज्यादा है तो परमेश्वर आपसे ज्यादा अपेक्षा करता है। अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान है तो वो ज्यादा अपेक्षा करता है। हम कई लोग हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कि जो व्यक्ति सही में आत्मिक तौर पर ज्ञानी है वो व्यक्ति बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल। मैंने कभी उस सेवक से बात नहीं किया था, मैंने खाली उसको टीवी पर देखा था, अलग अलग जगहों से मैंने सुना था, और मैंने खाली उसे एक मैसेज डाला कि मुझे आपके साथ बात करना है, सिंपल मैसेज। अब पता नहीं कि वो मुझे देख रहा है या कहाँ, वो मुझे पता नहीं। वो व्यक्ति ने तुरंत शाम को उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे एक व्यक्ति के पास आपका ये मैसेज आया था और मैं बहुत उत्साहित हो गया कि जब आपने मुझे कॉल किया, जब आपने मुझे मैसेज भेजा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कभी कभार हम जो ठोकर खाए हुए लोग हैं, हम इसलिए सेवकाई करना चाहते हैं, इसलिए अभिषेक पाना चाहते हैं, या इसलिए लोगों के जीवन में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कौन है। तूने मेरे को नकारा ना, देखा भी तूने ऐसे किया ना, देखा भी। मैं आपसे कहूं ऐसे कभी मत करो, क्योंकि सेवकाई चोट पहुंचाए लोगों के लिए नहीं है। सेवकाई अगर आपको करना है, अगर आप बाहर लोगों को बचाने के लिए निकले हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको बहुत हम्बलनेस की जरूरत है, आपको सहनशीलता की जरूरत है, आपको सहन करना पड़ेगा। सोचो यीशु मसीह जो विश्वास का चैंपियन है, यीशु मसीह जिसने पूरे सृष्टि को रचा है, यीशु मसीह जिसकी तुलना कोई भी चीज से नहीं की जा सकती है, वो व्यक्ति एक गांव में जाता है और एक दुष्टात्मा को निकालता है एक व्यक्ति के अंदर से, जिसके अंदर सेना थी, और लोग उसे कहते हैं ये दुष्टात्मा की शक्ति से सब कुछ कर रहा है। यीशु मसीह एक जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं कि तुम परमेश्वर हो, तुमको पता नहीं है क्या? लोग उससे पथराव करने निकलते हैं, वो जो सबसे शक्तिशाली है वो उनका सुनता है और चुपचाप सर नीचे कर वहां से निकल जाता है, कुछ नहीं कहता, कोई रिप्लाई नहीं देता है, कोई रिप्लाई नहीं देता है, एकदम शांत। लेकिन जिनके अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है वो ऐसा रिप्लाई देते हैं जैसे कि कुछ तो अलग ही है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हो कोई काम से, क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ता है कुछ ना कुछ चीजों को लेकर, तो वहां का जो हवलदार रहता है वो डीसीपी से भी ज्यादा बड़ा नखरा करता है, ऐसे वैसे। और जब डीसीपी आता है वो एकदम सिंपल आदमी, आइए सर बैठिए, आप कब से आए हो, आपने पानी पिया क्या, वो बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो वहां का मिनिस्टर है। और आत्मिक स्तर में भी ऐसे हो गया, वो पास्टर बहुत अच्छा रहेंगे, कोई इशू नहीं, वो बहुत हम्बल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके जो शिष्य है वो ऐसे बताएंगे कि वो पास्टर से भी महान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम हर एक लोगों का जो तोहफा है वो एक समान है। परमेश्वर हम हर एक लोग को एक समान देखता है, वो ये नहीं देखता है कि अरे यार ये ऐसा है, ये इतना बड़ा बिशप है, ये रेवरेंट है, ये पास्टर है, ये बिलीवर है, नहीं, वो ऐसा नहीं देखता है। वो हम हर एक लोगों को एक समान देखता है, वो देखता है कि ये मेरे संतान है, ये मेरे बच्चे हैं, वो इसी प्रकार देखता है हमको। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है। आदत बनाओ प्रार्थना करने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए और उपास करने के लिए, ये आपका आदत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते।
अगर आप आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो, अगर आप आत्मिक रल में जाना चाहते हो, आत्मिक चीजों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, आत्मिक चीजों का अनुभव करना चाहते हो, तो आपको आत्मिक बनना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, जब आप पानी के अंदर जाओगे तो आप ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, आपको वो पानी का सूट पहनना पड़ेगा। अगर आप आसमान में जाओगे रॉकेट के अंदर तो आप पानी का सूट पहनकर नहीं जा सकते हो, आपको वहां का सूट पहनना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो, मैं आपसे कहूं आप शारीरिक बनकर नहीं जा सकते, आपको वहां का बनना पड़ेगा। अब आप ऑलरेडी हो, खाली वहां का आपको नॉलेज चाहिए। आप ज्यादा समय उपास में बिताओ, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताओ, ज्यादा समय वचनों में बिताओ। अब बहुत जरूरी है कि हम लोग चुनौतियों को स्वीकार करें। लिखो, चुनौतियों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करना। अगर आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देखोगे। तीन ऐसे सीक्रेट्स हैं प्रेरितों के काम में, या जितने भी अद्भुत सेवक जिन्होंने सेवकाई किया है, आप जो भी सेवक का नाम लो, आपके आंखों के सामने यीशु के बाद जो भी फेमस प्रचारक है, जो भी प्रसिद्ध सेवक है, उसके जिंदगी को लो, उसके जीवन में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो सीक्रेट था वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात वो है प्रार्थना, क्योंकि प्रेरितों के काम में ऐसे लिखा है कि खिलाने पिलाने की सेवकाई में हम लोग नहीं रहेंगे, वी विल बी द मैन ऑफ प्रेयर, हम लोग प्रार्थना के व्यक्ति रहेंगे, सबसे पहला। दूसरा है कि हम लोग वचन के व्यक्ति रहेंगे, वचन बांटने में हम लोग बिजी रहेंगे। एक है प्रार्थना, दूसरा है वचन, और तीसरा बात है आप पूरे प्रेरितों के काम को पढ़कर देखो, कई जगह पर आप पढ़ोगे फास्टिंग के बारे में, उपास के बारे में। ये बहुत जरूरी है, तीन चीज कलीसिया में नहीं होने की वजह से कलीसिया ठंडी पड़ चुकी है। बाइबल कहता है, पत्रस को यीशु कहता है कि इस रेवलेशन के ऊपर मैं अपना चर्च बांधूंगा, और इसके ऊपर कोई भी नरक का फाटक प्रबल नहीं होगा, कोई भी नरक का फाटक। और इसलिए आप देख सकते हो, चर्च यानी बिल्डिंग नहीं, चर्च यानी हम, यानी जो व्यक्ति यीशु में है वो चर्च है, और इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी बाहर के दुनिया का चीज इस पर नहीं चलेगा, कोई भी दुष्टात्मा कार्य नहीं करेगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन आज सवाल यह है कि कलीसिया में बीमारी क्यों है? अगर यीशु ने कहा है कि इस कलीसिया पर, मेरी कलीसिया पर नरक के कोई भी फाटक प्रबल नहीं होगा, तो आज क्यों हम लोग बीमार है? ये बहुत 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 जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक चीज, क्योंकि मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगा, अगर आप बीमार हो तो आप योग्य हो चंगाई पाने के। वापस मैं कहता हूं, ये बहुत जरूरी है, आप सुनो इसको, इस पर ध्यान दो। अगर आप ये चीज थाम लिए ना, आप बीमारी से छुटकारा पाओगे। अगर आप बीमार हो तो आप योग्य हो चंगाई पाने के, क्योंकि बीमार व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है और यीशु ने उपलब्ध करवाया। ये मत सोचो ये मैं क्यों बीमार पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वचन ऐसे कहता। मैं आपसे कहूं सिंपल एक चीज कहता हूं। एक दिन उसके चेले, यीशु के चेले यीशु के पास आए और कहा कि ये आदमी अंधा क्यों है? इसके वजह से, इसके माँ बाप के वजह से, दादा दादी की वजह से, परदादा की वजह से, पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाल कर बताए। यीशु सिंपल रिप्लाई देता है, परमेश्वर के महिमा के लिए। सिंपल, अगर आप बीमार हो, मैं आपसे कहूं आप चंगे हो जाओ। ये बैकग्राउंड में मत जाओ, क्यों वैसे हुआ, क्यों वैसे हुआ। अगर आप बीमार हो, यीशु के कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई है, मैं जो भी हूं उस पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता हूं, मैं महसूसियत पर नहीं जाता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलता हूं। आप ये चीज करो और मैं आपसे कहूं आप चंगाई को अपने जीवन में अनुभव करोगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा चैलेंज स्वीकार करने के बारे में, या चुनौती स्वीकार करने के बारे में। आपको मालूम है आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास बहुत सारे संधि है सुपरनेचुरल या आत्मिक
जिंदगी को अनुभव करने के लिए या दूसरे को प्रदान करने के लिए या दूसरे के जीवन में अनुभव दिलाने के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज है जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जब पूरे दुनिया में समस्या 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 फैल गई थी तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। बाइबल कहता है कि उस पर अनुग्रह की दृष्टि गिरी और वो धर्मी व्यक्ति गिना गया, वो था नोहा। और परमेश्वर नोहा से कहता है, नोहा एक जहाज बना, एक नाव बना। नोहा इस चुनौती को स्वीकार करता है, हालांकि वो लकड़े का काम करने वाला वो कारपेंटर नहीं था, वो था खेती करने वाला व्यक्ति, वो कारपेंटर नहीं था। लेकिन उसने चैलेंज स्वीकार किया कि मैं नाव बनाऊंगा, और वो नाव बनाते गया, वो प्रचार करते गया। उसने चैलेंज स्वीकार किया। अगर आप उसके आगे पढ़ोगे मोसेस के बारे में, बाइबल कहता है कि जब मूसा 40 साल का हुआ वो मिस्र से बाहर निकला, और जैसे मिस्र से बाहर निकला उसने 40 साल और बिताए भेड़ बकरियों को बस घुमाने फिराने के लिए। जब वो 40 साल का था तब वो बहुत सामर्थ्यशाली था, वो शक्ति से सामर्थ्यशाली था, वो बोलने में सामर्थ्यशाली था, वो चलने में सामर्थ्यशाली। क्यों? क्योंकि वो राजा के दरबार या राजा के घर में रहता था, एक राजकुमार जैसे। वो पूरे उस शक्ति से भरा हुआ था जो एक राजकुमार में होता। लेकिन जब वो और 40 साल का सफर करता है भेड़ बकरियों में, बाइबल कहता है वो तोतला बन जाता है, उसको उसको बोलने के लिए नहीं जमता है। और एक दिन अचानक जब भेड़ बकरी चरा रहा था, जब वो 80 साल का था, तो वो देखता है कि एक झाड़ी में आग लगा हुआ है। वो चैलेंज स्वीकार करता है जाकर उस आग से भेंट करने के लिए या आग से नजदीक जाने के लिए। मैं आपसे कहूं, अगर वो ऐसे कहता पता नहीं है ये कौन है, पता नहीं ये अचानक आग क्यों जल रहा है, पता नहीं धुआं नहीं आ रहा है, अगर वो चैलेंज स्वीकार नहीं करता था तो शायद वो बड़ा चीज जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था वो शायद अनुभव नहीं कर पाता। आज आपके पास ऐसे कई सारे चीज है। उसके आगे अगर आप देखोगे राजा दाऊद के बारे में, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, उस वो गोलियाद और दाऊद का कुछ लेना देना नहीं था। वो आया था अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए। आपका बस लंच ऑन द वे है, जैसे ही लंच आ जाएगा मैं बंद कर दूंगा। मेरा भाई टिफिन लाने का काम कर रहा है। उसका काम था कि वो अपने भाइयों को टिफिन पहुंचाए, दे और वापस चले जाए। उसका उतना ही काम था, उसका और कोई काम नहीं था। लेकिन जब ये सुनता है कि कोई तो गोलियाद नाम का व्यक्ति है जो मेरे परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहा है, यह व्यक्ति बाइबल कहता है कि पूरे क्रोध से भर जाता है और राजा को जाके मिलता है और कहता है कि मैं इस व्यक्ति को मार गिराऊंगा। हालांकि वो कैपेबल नहीं था शारीरिक तौर पर, क्योंकि बाइबल कहता है वो इतना जवान लड़का था कि उसके चेहरे से लाली टपकती थी, उसका पूरा स्किन लाल लाल था, ऐसे बाइबल कहता है। अगर आप उसे दाऊद के अगर गाल को पकड़ोगे तो हो सकता है खून आ जाएगा, उस प्रकार का उसका स्किन था, ऐसे बाइबल कहता है। एक बच्चों जैसे उसका उसका गाल था, ऐसे बाइबल कहता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं गोलियात को मारूंगा, हालांकि गोलियात का उसका कुछ लेना देना नहीं है, ना ही तो ये मिलिट्री में है, ना ही तो ये ताकतवर है, ना ही तो वो उसका मैचिंग का है, कुछ नहीं है। लेकिन ये चैलेंज स्वीकार करता है। और मैं आपसे कहूं, जब शाऊल दाऊद से मिलता है और दाऊद कहता है ठीक है अगर तू मारने जाए तो तू इस प्रकार का हथियार का कपड़े पहन ले, और बाइबल कहता है कि वो जब कपड़े पहनता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि मुझे ये सब चीज़ जरूरत नहीं है, मैं इसके मुकाबले नहीं लड़ूंगा लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा और लड़ूंगा। आपको यह पता करना है कि अगर आप मसीह में हो तो शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कुलुसी की पत्री में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने आपको अंधकार के वंश से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलाया है। तो कैसे कोई बीमारी आपको स्पर्श कर सकता है? अगर आप कैंसर व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना करते हो कैंसर आपको नहीं आएगा। लोगों में गलत फहमी है, ओ हमें सिखाया गया है कि अगर हमने किसी के सर के ऊपर हाथ रख दिया तो बीमारी हमारे अंदर जाए। अच्छा, कहां से सिखाया उन्होंने? उनके पास पता नहीं कौन सा बाइबल है। मेरा बाइबल तो ऐसे कहता है कि जब
यीशु रास्ते पर चलता था, लोग उसके वस्त्र को छू लेते थे, वो किसी को छू लेता था, लोग ठीक हो जाते थे। हाँ, लेवी व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी अपवित्र चीज अगर इंसान को छू लेता है तो वो एक हफ्ता एक महीना खुद को अलग रखो, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है। अगर कोई भी रक्तस्रावी महिला अगर किसी व्यक्ति को छू लेती है, बिस्तर को छू लेती है, तो वो अपवित्र माना जाता है। लेकिन नए नियम में ऐसे लिखा है कि जब वो पब्लिक में आई, जब इस अपवित्र महिला ने पवित्र चीज को छू लिया, तो वो पवित्र चीज अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन वो अपवित्र महिला पवित्र बन गई। हालेलुया। आज संसार को जरूरत है कि आप जो धर्मी लोग हो, आप लोग जो पवित्र लोग हो, संसार में जाए और अपनी धार्मिकता और अपनी पवित्रता वहां पर प्रकट करें जो यीशु ने आपको दिया है। चैलेंज स्वीकार करो। अगर आप अपना सेल्फी निकालकर लोगों को प्रभावित कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए प्रार्थना कर भी लोगों को प्रभावित कर सकते हो। जितने भी फेमस व्यक्ति है ना प्रियो बाइबल में, ये सभी लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। श्रद्रक, मैशक, अबदनीगो, इन तीनों का जब नाम आता है, मैं आपसे कहूं लोग फायर अप हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इन तीनों ने चैलेंज स्वीकार किया कि तेरे को जो करना है तू कर, हम खाली यहोवा के सामने अपना सर झुकाएंगे और किसी के सामने नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। अब देख, जो आग मैंने जलाई थी वो 7 गुना मैं और बढ़ाता हूं। तू 7 गुना बढ़ा, 70 गुना बढ़ा, 700 गुना बढ़ा, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम खाली यहोवा की आराधना करेंगे। इन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया, तुझे जो करना है तू कर, मुझे जो करना है मैं करूंगा। और बाइबल कहता है कि जब इन तीनों को आग में डाला जाता है, वहां पर चौथा व्यक्ति उपलब्ध होता है। और बाइबल ऐसे कहता है कि इनका बाल भी जलता नहीं है। अगर इन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं किया होता तो शायद ये काम हम नहीं देख पाते। उसके आगे बात करें डैनियल का। आज डैनियल क्यों फेमस है? जब भी डैनियल का हम लोग नाम लेते हैं, मैं आपसे कहूं एक ही चीज हमको याद आता है कि सिंह का गुफा या सिंह का केच। लेकिन अगर डैनियल उस राजा का बात मान लेता कि नहीं बाबा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, है ना, मैं चोर नहीं करूंगा, ऐसा वैसा ये वो, तो शायद जो उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं वो हमको पढ़ने नहीं मिलता। उसने स्वीकार किया। आज संसार के लोग आकर आपको कहेंगे कि यहां पर प्रार्थना मत करो, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा है, तुम वैसा है। मैं आपसे कहूं उनको जो कहना है कहने दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं वचन जो कहता है आप वही करो। पता नहीं किसी ने तो हमारे बारे में और चर्च के बारे में कुछ पेपर में लिख दिया था। हमारे चर्च के लोगों को जाकर बता रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जो लोग गरीब है उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां के किसी लेखक ने ऐसे लिखा कि ये क्रिश्चियन लोग जाकर सिखाते हैं कि अमीर कैसे बनना है, ये क्रिश्चियन लोग सिखाते हैं कि बीमारी से बाहर कैसे आना है, ये क्रिश्चियन लोग कुछ अलग ही सिखा रहे हैं। तो जब मैं हमारे MLA से बात कर रहा था तो उसने मुझे स्टेटमेंट कहा, तो मैंने कहा सर ये अच्छा काम है या बुरा काम है? जो गरीब लोग हैं उनको समृद्धित कैसे होना सिखाना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? जो बीमार लोग हैं उनको सिखाना कि बीमारी से बाहर आना, अच्छा काम है या बुरा काम है, आप बताओ मुझे। फिर वो मुझसे कहते नहीं, मैं तो आपकी तरफ से ही हूं, मैं तो मसीह लोगों की तरफ से ही हूं, लेकिन पेपर में जो आया ना वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा पेपर में जो आया वो मत बताओ, आपका क्या है वो मेरे को बताओ। नहीं नहीं नहीं, हमेशा मैंने मसीहों को सपोर्ट किया, क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट किया। मैंने कहा ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। संसार क्या कहता है आपके बारे में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हां, अगर वो लोग सही कह रहे तो परिवर्तन लाओ। अगर वो कह रहे ऐसा और आपको लग रहा है आपके दिल में कि ये सही है, परिवर्तन लेकर आओ। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप काम कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहता है, मैं आपसे कहूं चैलेंज स्वीकार करो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है वैसा है ये वो, तुम बीमार लोग के लिए प्रार्थना करोगे तो वो ठीक करेगा, चलो प्रार्थना करो, डरो मत, चैलेंज स्वीकार करो। आप जाओ प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करने के लिए गए, बहुत सारे लोग वहां पर खड़े, आपने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, क्या होगा? लोग आपके बारे में कहेंगे देखो ये नकली लोग है, झूठ बोलते हैं लोग, उतना ही कहेंगे ना। तो वहीं पर तो वचन है
कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े, होने दो कि हमारी बेइज्जती होने दो वहां पर, लेकिन अगर वो व्यक्ति ठीक हो गया तो ये सारे लोग प्रभु में आ जाएंगे। अगर अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है और कोई अगर आपको चैलेंज करता है कि देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति है, आपने आपका तो प्रचार मैंने सुना ऐसे ऐसे, चलो इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, आप बिंदास जाओ। ये मत सोचो कि वहां पर क्या होगा, ये सोचो कि यीशु आपके साथ जा रहा है, सब कुछ ठीक होगा। अगर नहीं हुआ तो हमारे नाम का बदनामी होने दो, लेकिन प्रभु तेरा नाम बन रहने दो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु अपना नाम कभी नीचे गिराने नहीं देगा, वो हमेशा, बाइबल कहता है उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। अगर उसका वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और बीमार ठीक हो जाएंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, तो वैसा ही होगा। हालेलुया। चैलेंज स्वीकार करो। आप जब बात करते हो चेलों के बारे में, पत्रस के बारे में और अलग अलग डिसाइपल्स के बारे में, मैं आपसे कहूं आप पढ़कर देखो उनके बारे में। कई लोगों ने कहा कि हमने तुमको बहुत पीटा है, इसके बाद यीशु के नाम का प्रचार मत करो। पत्रस कहता है तुम मुझे बताओ कि हम इंसानों का सुने या परमेश्वर का सुने, फैसला करो। और फिर वो लोग कुछ नहीं करते, कुछ और बेत लगाकर उनको छोड़ देते हैं, और जैसे उनको छोड़ते हैं वो वापस खड़े होकर प्रचार करते हैं कि यीशु उद्धार करता है। अगर आप पर तकलीफें आ रही है, परेशानी आ रही है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि आप शांत बैठो, इसका मतलब यह है कि परेशानी आपसे डर रही है, बीमारी आपसे डर रही है। आप घर से बाहर निकलते हो और अचानक कुछ हो जाता है, मैं आपसे कहूं डरो मत, वो चीज देखकर आप पीछे मत हटो, पता नहीं शैतान हम पर अटैक कर रहा है। ब्रदर मैंने इंटरसेशन किया और अचानक शैतान मुझ पर अटैक कर, मैं आपसे कहूं शैतान अटैक नहीं कर सकता। शैतान यीशु से ज्यादा सामर्थ्यशाली नहीं है। शैतान खाली आपको डरा सकता है। बाइबल कहता है कि सिंह, शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। सबको फाड़ नहीं खा सकता है, वो ढूंढते रहता है। जो व्यक्ति डरा हुआ दिखा, डरपोक दिखा, हाँ इसके जीवन में मैं कार्य कर सकता हूं। डरो मत। अगर आप शैतान से लड़ना चाहते हो, एक हथियार है और वो है आपका हंसी या मुस्कुराहट। अगर आप पैसों के ज्यादा बोझ में दबे हुए हो, अपने परिवार को कहीं लेकर जाओ, गार्डन में बैठो और हंसो, हा, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शैतान मेरे जीवन में नहीं है, कोई रुकावट नहीं, मैं आपसे कहूं करो। मैंने ऐसे किया है। जब मैं दुनिया भर के समस्याओं में था कुछ कुछ समय पहले, पास्टर साहब आपका पैसा अब तक नहीं आया, आपका बिल पेंडिंग है, आपका ये है, आपका वो है, मैंने कहा पता नहीं प्रभु क्या करूं अभी। खाली मुझे एक सॉल्यूशन पता था, क्योंकि मैंने एक सेवक से सुना था कि उसके ऊपर जब बहुत ही भारी मात्रा में कर्जा हो गया था, उसके सभी टीवी चैनल्स बंद कर दिए गए थे, वो प्रचार नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे बिल पेंडिंग थे, वो खाली सुबह जाता था अपने गार्डन में और खाली जोर जोर से हंसता था, कोई सोल्यूशन नहीं है। और बाइबल कहता है कि मन का आनंद अच्छा औषध है। अगर आप बीमार हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप हंसना शुरू करो। एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था और वो अनबिलीवर था, किसी ने तो उससे एक सीडी दिया जो कि पूरे जोक से भरा हुआ था। वो व्यक्ति अपने रिपोर्ट्स को लेकर जाता है, देखता है बहुत नाराज है क्योंकि थर्ड कैटेगरी का कैंसर है, कुछ ही दिन में मर जाएगा। वो सीढ़ी लगाता है और अचानक हंसना चालू करता है। वो सीढ़ी एक बार देखता है, दो बार देखता है, तीन बार देखता है, चार बार देखता है, वो बस लगातार तौर पर करते चले जाता है। एक हफ्ते के बाद अचानक उसे भूख लगने लगता है, उसको थोड़ा शक्ति महसूस होता है और वो वापस जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब चेकअप करता है वो कहता है तुम्हारे अंदर कोई कैंसर नहीं है। ये संसारिक व्यक्ति होकर, संसारिक चीजों को देखकर अगर चंगाई पा सकता है तो हम लोग कौन है? हम लोग उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर हैं। हमारे लहू बहाया गया है, जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, वो हमारे साथ में रहता है, उससे प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर को हम मानते हैं और ये सब चीज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। बात करें पौलुस का, आप पढ़कर देखिए करुंती की पत्री, पौलुस जो जैसा दिखता है पौलुस वैसा नहीं है।
हालांकि हमें दिखता है कि पौलुस ने सबसे ज्यादा किताब लिखा, पौलुस पर सबसे ज्यादा अभिषेक था, पौलुस पर सबसे ज्यादा अनुग्रह था, पौलुस ऐसा था वैसा, लेकिन वो बहुत तकलीफ से भरा हुआ था। वो कहता है कि मुझे कई बार 39 कोड़े मारे गए, मुझ पर पथराव हुआ, मुझे खाना नहीं मिलता था, मुझे कपड़े नहीं मिलते थे, मैं सर्दी में ऐसे ही रहता था, मैं जिस नाव से ट्रैवल करता था वो नाव टूट जाता था कई बार। अगर हम लोग उसके जगह पर होते तो हम लोग क्या करते पता है? मेरा सब कुछ धंधा अच्छा खासा चल रहा था, मुझे अच्छा खासा पैसा आ रहा था, आपने एक आवाज दे दिया, आपने एक दर्शन दे दिया, ये हालत कर दिया मेरा। शायद हम ऐसे सवाल उठाते परमेश्वर पर, मैं जब अनबिलीवर था मैं बहुत अच्छा था और अभी बिलीवर हो गया हूं ये सारा प्रॉब्लम। मैं आपसे, कई सारे लोगों ने मुझसे ये कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये सारा चीज इसके ऊपर था इसलिए ये इतना जल्दी उन्नति कर पाया, इसने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम हर एक लोग का जिंदगी ऐसे नहीं रहेगा। आप जिस स्थिति से चल रहे हो ये हमेशा के लिए नहीं, ये कुछ समय के लिए है। इसमें धीरज रखो, विश्वास करो कि परमेश्वर आपके स्थिति के पीछे काम कर रहा है। किसी व्यक्ति ने ऐसे कहा कि जब अब्राहम और इसाक पहाड़ पर चढ़ रहे थे और अब्राहम देख रहा था इसाक पर कि कुछ समय के लिए मेरे साथ में, आप इसको इसका मैं बलिदान करने वाला हूं, तो परमेश्वर उस सीनरी के पीछे या उस पहाड़ के पीछे वो उपाय कर रहा था एक मेमने का। यहां से इसाक और अब्राहम चढ़ रहे थे लेकिन दूसरी जगह से वो मेमना चढ़ रहा था। आप एक तरफ से समस्या से गुजर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर उपाय कर रहा है। इंतजार कर, रुके थोड़ा सा और थोड़ा धीरज रखे और थोड़ा विश्वास रखे। अगर आप जिस अभिषेक में बहना चाहते हो, जिस अभिषेक में काम करना चाहते हो, अगर आपके हाथ हिलाने से अगर लोग नहीं गिरते, लेकिन अगर आप अपेक्षा कर, रुको थोड़ा सा और थोड़ा प्रार्थना करो और थोड़ा वक्त परमेश्वर के साथ बिताओ। नाराज मत हो जाओ, आपका दिल छोटा ना हो जाए, अपने विश्वास को और मजबूत करो। कल्पना करो कि परमेश्वर, आप शायद 1,000 लोग नहीं, अब मैं 1,00,000 लोगों का दर्शन रखूंगा। एक व्यक्ति जिसके पास वरदान था कि वो बहरों के लिए अगर प्रार्थना करता तो बहरे सुनने लगते थे, एक दिन एक सभा में गया और उसने बहरों के लिए प्रार्थना किया, एक भी ठीक नहीं हुआ। वो सोचने लगा कुछ समय तक, क्या करूं, अभी ठीक नहीं हो रहे। पहला दिन का सभा था, 10 लोग आए थे, यानी 10 खाली 10 बहरे आए थे उस सभा में। हजारों लोग थे लेकिन उस हजारों लोग में खाली 10 बहरे लोग थे। इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसने अनाउंस किया कि आज शायद आप सुन नहीं पाए लेकिन कल 100 बहरों को लेकर आओ, कल हम 100 बहरों के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरे दिन 100 बहरे लोग आ गए, इन 100 जन के लिए प्रार्थना किया गया, ये नहीं हुआ, उनमें से एक भी जन नहीं सुना। ये व्यक्ति वापस थोड़ा पीछे हटता है, ये सोचता है, प्रार्थना करता है, फिर यहां से ये अनाउंस करता है, आज हमने प्रार्थना किया लेकिन इनमें से नहीं सुना, कल हम केवल और केवल बहरों के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं कि 1,000 लोगों को लेकर आऊं जो बहरे हो। दूसरे दिन ये सब लोग सुनकर उत्साहित से 1,000 लोग को लेकर आते हैं, और जैसे 1,000 लोग को लेकर आते हैं, मैं आपसे कहूं, जैसे ही लोग उस ग्राउंड में अपना पैर रखते हैं, बहरे सुनने लगते, प्रार्थना भी नहीं होता है उनके लिए। अब कल्पना करो, अगर पहले दिन अगर ये 10 बहरे सुनने लगते हैं तो शायद तीसरे दिन वो 1,000 बहरे वहां पर नहीं आते। मैंने सुना है कि हमारे मुंबई में किसी ने सभा किया और उस सभा में लोगों को चैलेंज किया गया कि जो फिजिकली इश्यूज प्रॉब्लम है, जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो पैरालाइज है, उनको लेकर आओ, वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि जैसे ही ट्रक भर भर कर उनको ग्राउंड पर लेकर आया, लोगों ने ट्रक पर से उनको नीचे नहीं उतारा लेकिन वो खुद ही मारकर खुद उतर गए। मैं आपसे कहूं, ऐसा चीज परमेश्वर आपके जरिए करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं इसको बढ़ाओ, इसमें आपको और ज्यादा रेवलेशन आपको मिलना चाहिए। हालेलुया, आप लोग तैयार हो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं आखिरी चीज कहकर खत्म करूंगा। अपना दायां हाथ अपने दिल पर रखो,
अपनी आंखों को बंद करो और कहो कि परमेश्वर आप मेरे साथ में हो, आप मुझे अपना बेटा मानते हो, मैं जानता हूं कि आप 24 घंटों मेरे साथ में हो, आप मुझसे प्यार करते हो, आपके प्रेम से कोई भी चीज मुझे अलग नहीं कर सकता है। जिस चीजों से मैं गुजर रहा हूं वो कुछ समय के लिए है, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए बेहतर योजना बना रहे हो, मैं स्वीकार करता हूं उन सारी योजनाओं को, मैं जानता हूं कि आपका प्यार बिना कोई शर्त का है, मैं इसे स्वीकार करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। ओके, एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 6:63, यूहन्ना अध्याय 6:63, ये बहुत सामर्थ्यशाली चीज है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके आंखों को खोले इस प्रकाशन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। यूहन्ना अध्याय 6:63, जॉन चैप्टर 6:63, आत्मा तो जीवन का है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे ये है, वे आत्मा है और जीवन है। ठीक है, अब यीशु खुद ऐसे कहता है कि जो बात मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और वो जीवन है। आज हम हर एक लोगों के पास वचन है लेकिन वो बिना आत्मा के है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल ऐसे कहता है कि वचन जान लेता है लेकिन आत्मा जिलाता है। लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिवेथ लाइफ। वचन जानलेवा है लेकिन आत्मा जिलाता है। मैं आपसे कहूं, हम कई लोगों के पास वचन है लेकिन बिना आत्मा के हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसी के वजह से समस्या है। यीशु ने जब जब जो भी चीज कहा वो वचन के साथ आत्मा कहता था या आत्मा भेजता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक वचन रहमा में परिवर्तित नहीं होता है तब तक हम लोग बड़े बड़े चीज या सुपरनैचुरल चीज देख नहीं पाते। अब ये वचन जो लोगोस हमारे पास है, जो लिखित वचन हमारे पास है, इसको हम लोग कैसे रहमा में परिवर्तित कर सकते हैं? मैं वापस कहता हूं कि जो लिखित वचन हमारे पास है उसको रहमा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? एक ही चीज के द्वारा, और वो है मनन करना, मेडिटेशन। जितना ज्यादा आप मनन करोगे उतना ज्यादा आप उस चीज को सच्चाई के तौर पर देखोगे। यशुआ या जोशुआ के किताब में ऐसे लिखा है कि अगर तुम ये वचन रात दिन मनन करोगे तो तुम्हारे हर काम में तुम सफल रहोगे। अभी आपको क्या करना है, आप जो स्थिति में हो, अगर आप बीमारी में हो, कैसे आपका शरीर चंगाई पा सकता है? जितने भी चंगाई भरे वचन है उसको लो और मेडिटेट करो, उसको लो और मनन करो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ये वचन आपके दिमाग से दिल में प्रवेश करेगा और आपके दिल से आपके आत्मा में प्रवेश करेगा, और जैसे वो आपके आत्मा में प्रवेश करेगा वो वचन जिंदा हो जाएगा। अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, अगर आप बुलाए गए हो महान सेवकाई के लिए, सुपरनेचुरल सेवकाई के लिए, अगर आप बुलाए गए हो मुर्दों को जिंदा करने के लिए, अगर आप बुलाए गए हो रोगियों को ठीक करने के लिए, अगर आप बुलाए गए हो कि बाहर बाहर जाकर प्रशिक्षण देने के लिए, सभाएं लेने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस लोगों को रहमा में लेकर आऊं। आज से कुछ साल पहले मैंने जब एक चीज देखा था कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और वहां पर कई सारे सेवक लोग हैं, मैं कई सारे सेवक लोगों से मिल रहा हूं, कई सारे विश्वासी लोगों से मिल रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, साथ में मिलकर हम लोग सिखा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बात मैं अब देख पा रहा हूं अपने जीवन में। मैंने क्या किया, वो सपने को सपना नहीं रखा। कई लोग अपने जीवन में सपना देखते हैं कि मैं एक बहुत सारे बड़े स्टेज में खड़ा हूं, मैं वहां से प्रचार कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका सपना उसको मारो मत, या मरा हुआ सपने के साथ जीवन मत बिताओ। हम कई लोग मरे हुए सपने के साथ जीवन बिता रहे आज, और इसी की वजह से वो सपना जिंदा नहीं हो रहा है। अपने सपने को जिंदा करो, कैसे? आपके प्रार्थना के जरिए। कैसे? उसके बारे में योजना करने के जरिए। अगर परमेश्वर ने आपको सपना दिया है या दर्शन दिया, आपको पता है लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान से मुलाकात किया, मैं कहता हूं परमेश्वर ने सुलेमान से मुलाकात नहीं किया लेकिन उसको सपना दिया।
सुलेमान ने शलमोन ने सपने में देखा कि परमेश्वर उससे बात कर रहे और उसको पूछ रहे कि तुझे क्या चाहिए। सपने में, ड्रीम में, अगर परमेश्वर ने आपको ड्रीम दिया है या विजन दिया है या परमेश्वर के वचनों से आपको कुछ बात मिला है या किसी सेवक के द्वारा भविष्यवाणी किया गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उस चीज को लो, उस चीज के लिए प्रार्थना करो, आप उस चीज को लो, उसको प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि 1000 लोगों में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला है, मैं आपसे कहूं आप मैसेज बनाना चालू कर दो, आप डायरी खरीद दो और लिखो कि ऐसे ऐसे तारीख में ऐसे ऐसे जगह में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट फॉरवर्ड कर दो, डेट फॉरवर्ड करो। मैंने ऐसे कई बार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जब मेरे ऑफिस में आओगे, आप जब मेरे घर में आओगे, आप कई सारी डायरी देखोगे और उसमें मैंने कई सारे चीज लिखा है जो अब तक फुलफिल नहीं हुआ। मैं क्या करता हूं, वापस खोलता हूं, मेरे पास अगर वक्त है उसको मैं नई डायरी में लिखता हूं नए डेट के साथ। लेकिन ऐसे 75% जो चीज मैंने लिखा है वो मैंने देखा कि पूरा हो गया है, 75%। आप ऐसे करना चालू करो, आप डेट लिखो कि ऐसे तारीख में ऐसी जगह पर ऐसा सा चीज होने वाला है, आप उस चीज को कंटिन्यू तौर पर अपने माइंड में रखो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए मध्यस्थी करो, कहो कि परमेश्वर आप काम करोगे, आप उसके लिए काम करना चालू कर दो। लोग बिल्डिंग बनाने से पहले अगर ब्लूप्रिंट बनाते हैं और ब्लूप्रिंट को देखने के बाद वो बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, मैं आपसे कहूं शारीरिक लोग अगर ऐसे कर सकते हैं, हम आत्मिक लोग क्यों नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आत्माओं को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। अगर आप प्लान करने रेडी हो, अगर आप विश्वास करने रेडी हो, तो परमेश्वर काम करने रेडी है, वो आपको देने के लिए रेडी है। अगर आप प्लान करने रेडी हो कि हजारों लोग, लाखों लोग आपके सभा में आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो 5 लोग को देगा, 10 लोग को देगा, आप उनको प्रशिक्षण दो, आप उनको ट्रेन करो। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर अचानक से 1 लाख लोग अगर आपके पास आए, आपने 1 लाख लोग को अगर प्रशिक्षण दिया, आपने 1 लाख लोग को बताया, अगर वो चले गए और अगर आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा तो कैसे होगा, क्योंकि अगली बार उनको वापस बुलाना है। आप लोगों तो हम लोग इसलिए पहुंच पाए क्योंकि आपके पास मैसेज गया होगा, आपके पास किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजा होगा, आपके पास अपडेट्स मिला होगा, आपने हमें फेसबुक पर देखा होगा, आपने हमें व्हाट्सएप पर देखा होगा, इसकी वजह से आज आप यहाँ पर आए हो। ये बहुत ज़रूरी है, आपको प्रिपेरेशन करना बहुत ज़रूरी है। महान कटनी अगर काटना है प्रियो, कई सारे लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। मैं जानता हूं कि जो लोग आज मेरे साथ में है, हो सकता है कल वो लोग मेरे साथ में नहीं रहेंगे। जो लोग बहुत विश्वासी होगी मेरे साथ में, वो मुझे पापा कहते हैं, वो मुझे फादर कहते हैं, उनके मोबाइल में मेरे नाम लिखा है कि डैडी लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूं हो सकता है कल वो लोग मेरे साथ में नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं निराश नहीं होगा, मैं और लोगों को प्रशिक्षण करूंगा, मैं और जगह पर जाऊंगा, मैं और लोगों को ट्रेन करूंगा। जब तक यीशु नहीं आता है मैं निराश नहीं होगा, मैं हताश नहीं होगा, मैं रोते नहीं बैठूंगा ओ मुझे क्यों छोड़ के चले गए, अब मैं बंद नहीं, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन मैं प्रिपेयर करते रहूंगा, मैं तैयारी करते रहूंगा, मैं और सारे सेवक लोगों को खड़ा करूंगा, मैं और लोगों को उभारूंगा, मैं नाराज होते नहीं बैठूंगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उनके अंदर सही आत्मा दे, सही लोगों से कनेक्ट कर प्रभु, उनको और ऊपर के लेवल में लेकर जा कि एक दिन जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो मुझे याद करेंगे, और नई याद के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नई लोगों के पीछे रहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं निराश मत हो जाओ, निराश मत हो जाओ, रोते मत बैठो, मेरे चर्च में सबसे अच्छा व्यक्ति देने वाला था वो चले गया, मैं आपसे कहूं दूसरे लोग आएंगे, ये व्यक्ति मेरे चर्च का रेंट भरता था, दूसरे लोग आएंगे। अगर परमेश्वर ने आपका कलीसिया शुरुआत करने के लिए आपको मदद किया है तो कोई शैतान या कोई व्यक्ति उसको रुका नहीं सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी शैतान उसको रुका नहीं सकता है। एक लास्ट और आखिरी चीज मैं आपसे कहता हूं प्रियो, अगर आप सही में सेवकाई करना चाहते हो, खाली एक कंडीशन है सेवकाई के लिए, और वो है परमेश्वर आपके साथ आकर व्यक्तिगत मुलाकात करेगा। जब तक परमेश्वर आपके साथ मुलाकात नहीं करे, आप अपने नाम का सेवकाई निकाल कर मत बैठो, ओ परमेश्वर ने मुझे आवाज दिया और कहा ये नाम का सेवकाई या ये नाम का तू ब्रांच खोल या ये नाम का चर्च खोल। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब तक वो मुलाकात नहीं करता है तब तक मत करो। जहां पर आप बढ़ रहे हो वहीं पर बढ़ो। आप बाहर जाकर गॉस्पल सुना सकते हो, आप मुर्दों को जिला सकते हो, आप अंधों को दृष्टि दे सकते हो, आप लंगड़ों को चला सकते हो, लेकिन मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। ये जितना भी गिफ्ट है, ये सारा जो वरदान है, ये सब कुछ चर्च के अंदर था, अलग से वरदान नहीं था। ओ मैं चंगाई के वरदान में मैं काम करता हूं, मैं चंगाई देने वाला सेवक हूं इसलिए मेरी चंगाई की सेवकाई है। मैं आपसे कहूं नहीं 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 नहीं, सेवकाई के अंदर ये लोग काम करना चाहिए, सेवकाई के बाहर नहीं। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो आसमान खुल जाता है, ये होगा, लेकिन आप चर्च के अंदर होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत मुलाकात करता है तो ही जाकर आपको आगे का स्टेप उठाना है।
मैं बात कर रहा हूं सेवकाई के लिए, लेकिन आप प्रार्थना करने के लिए आपको किसी का सुनने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वचन आपके पास है। आपको बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, वचन आपके पास है। वचनों को लो और लोगों पर लागू करो और देखो कुछ समय के बाद आप अनुभव करोगे महान परिवर्तन का। आप जहां से गुजरोगे दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाएंगे। आप जहां से गुजरोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये होगा। मैं कुछ टाइम के बाद देखना चाहता हूं कि हम कई सारे सेवक लोग, चर्च के विश्वासी लोग जब चल रहे हो तो लोग रास्ते पर लाकर खाट बिछाए, रास्ते पर लाकर चेयर्स रखे ताकि बीमार लोग वहां पर बैठे और हमारी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाए। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। आइए जल्दी।